आज माता रानी की विदाई हो रही है। दुर्गा पूजा भी खत्म हो गया। आज वो जा रही हैं, लेकिन हम सभी के दिल में इस चीज़ का है कि फिर वो एक साल के बाद आएंगी। इसी इंतज़ार के साथ जो है आज माता रानी की विदाई कर रहे हैं। और अभी जो है रात का 9:30 रात का बज रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं ये बड़ा तालाब है। बड़ा तालाब के पास जो है विसर्जन के लिए पूरी रांची की जो है माता रानी की विदाई इसी तालाब पे हो रही है। इसी से विसर्जन हो रहा है। सभी पूजा पंडाल के जो हैं वो लेके आ रहे हैं। और जिस तरह यहाँ पे भीड़ है, जिस तरह से यहाँ पे विदाई हो रही है, और टाइम जो है तो टाइम को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रोग्राम है ये रात के 12:01 तक चलने वाली है। यहाँ पर सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था की गई है, पूरा इंतजाम किया गया है कि किसी तरह की कोई भी अप्रिय घटना घटित ना हो। चारों तरफ जो है इस चीज़ का ध्यान रखा गया है। अभी यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोग जो है यहाँ पर माता रानी की विदाई में जो है शामिल हुए हैं। हम चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष और सभी पदाधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं कि इन्होंने बहुत ही भव्य आयोजन करके रांची में माँ भवानी के भक्तों के लिए एक ऐसा आयोजन किया जिसमें सभी भक्तों ने उस आयोजन का, माँ का प्रतिमा का, पूरे आयोजन का आनंद लिया है। विसर्जन में भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। हम लोग के बीच में रांची के एडीएम जितना भी पूरा सहयोग इस पूरा को सफल बनाने में हम लोगों को मिला है, और जहाँ पर भी जरूरत हुआ है आलोक जी हम लोगों के लिए खड़े रहे हैं। रमेश जी अपने बात को रखें। आलोक भैया के बाद बोलता है कि एडीएम लोग हैं तो पहले बात है, पहले हम साथ के हम सभी लोगों के बड़े भाई और जानते हैं यही के देख रहे भैया यही के और यही मतलब क्या कहना है कि जानते हैं बात पर दिखा रहे हैं इसलिए उनका नाम है। धन्यवाद रमेश जी। बैठिए ना, आप लोग बैठिए।
यहाँ पे सारे पूजा पंडाल, कराची के जितने भी पूजा पंडाल हैं, सारे पूजा पंडाल माता रानी की विदाई जो है इसी जगह जो है बड़ा तालाब में हो रही है। क्योंकि बहुत देर तक ये प्रोग्राम चलने वाला है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। अच्छी खासी लंबी जो है कतार लगी हुई है यहाँ पे। और ये इंतजार जो है एक साल का काफ़ी लंबा लगता है, बहुत ही लंबा वक्त लगता है। क्योंकि ये जो टाइम होता है हमारे 10 दिन का, ये बहुत ही उत्साह वाला, बहुत ही खुशी का भी होता है, जो कि उनके विदाई के लंबी हो जाता है। और इसी के साथ जो है मैं भी अपने इस ब्लॉग को खत्म करती हूँ। ये चंद्रशेखर आजाद का है, चंद्रशेखर आजाद का यहाँ पर ये विसर्जन के लिए तैयारी हो रही है। क्योंकि सारे पूजा पंडाल का विसर्जन का दिखाना संभव नहीं है, बहुत ही रात हो गई है।